गाइस वेलकम बैक टू द पार्ट टू ऑफ फ्रूट एंड वेजिटेबल वीडियो। और इस वीडियो में भी हम देखेंगे कि कौन से फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स हमारी डेली स्किन केयर रूटीन में हमें काफी हेल्प करती है हमारी स्किन को ग्लोइंग रखने के लिए, हमारे बालों को हेल्दी रखने के लिए, हमारे बालों को जल्दी जल्दी हेयर ग्रोथ प्रोवाइड करने के लिए, हमारी स्किन को बेहद चमकदार रखने के लिए, क्योंकि फ्रूट जूसेस वेजिटेबल जूसेस बूस्ट करते हैं इम्यून सिस्टम, मेटाबॉलिज्म को इंक्रीज करने में काफी हेल्प करते हैं और ज्यादा से ज्यादा विटामिन सी इंटेक हमारी स्किन को बहुत ज्यादा ग्लोइंग बनाने में हेल्प करती है और इसके साथ साथ ब्लड सर्कुलेशन को भी काफी इंप्रूव करती है, जिससे हमारी स्किन भी काफी हेल्दी नजर आती है और हमारे बाल भी काफी नजर आते हैं। गाइस तो सबसे पहले मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ कि कंटिन्यू 3 दिनों तक ये जूसेस फर्स्ट थिंग इन द मॉर्निंग बिफोर ब्रेकफास्ट लेने से मेरी स्किन में काफ़ी अच्छा ग्लो आया है। और नेक्स्ट आज का फ्रूट है एप्पल, और एप्पल हमारे स्किन के लिए तो सबसे ज़्यादा बेनिफिशियल है, ही साथ ही साथ एप्पल हमारे हार्ट हेल्थ को, एप्पल हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को, इम्यून सिस्टम को बहुत अच्छा और हेल्दी बनाने के लिए बहुत इफेक्टिव है। इसमें प्रेजेंट विटामिन ए और इसमें प्रेजेंट विटामिन सी, इसमें प्रेजेंट विटामिन B9, पोटेशियम, मैग्नीशियम, जो कि हमारे हमारे बॉडी पे एनर्जी को बूस्ट करने में काफ़ी हेल्प करता है। और अगर आपने फर्स्ट थिंग इन द मॉर्निंग खाली पेट सुबह सुबह अगर आप एप्पल जूस पीते हैं तो आपको काफी तेजी से एनर्जी प्रोवाइड करने में बहुत हेल्प करता है एप्पल जूस। एप्पल जूस बनाने के लिए यहाँ पे मैंने सिर्फ एप्पल को छोटे छोटे पीसेस में कट कर लिए हैं और इसमें करीब 1/2 ग्लास ऑफ वाटर मैंने ऐड किया है और इसे ऐसे ही अपने इस छोटे से पोर्टेबल ब्लेंडर में मैंने ब्लेंड किया है। और आज का बहुत ही अमेजिंग और स्पेशल फ्रूट है कीवी, यानी आज हम बनाएंगे कीवी का जूस जो कि रिच है विटामिन सी और डाइट्री फाइबर से, जो कि हार्ट हेल्थ को इम्प्रूव करने में काफ़ी हेल्प करता है, डाइजेस्टिव हेल्थ को इम्प्रूव करने में काफ़ी हेल्प करता है और इम्यून सिस्टम को काफ़ी बूस्ट करता है। इसमें प्रेजेंट विटामिन सी और ढेर सारे एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज हमारे स्किन को ग्लोइंग बनाने के लिए तो हेल्पफुल है ही, लेकिन साथ ही साथ ये हमें बहुत सारे हेल्थ बेनिफिट्स देते हैं हार्ट के लिए। इतने सारे हेल्थ बेनिफिट्स प्रोवाइड करने के साथ साथ ये आपको वेट लॉस की जर्नी में भी काफ़ी हेल्प करता है, वेट लॉस करने में काफ़ी हेल्प करता है और आपके वेट को मैनेज करने में काफ़ी हेल्प करता है। तो अगर आप अपना वेट लूज करना चाहते हैं और कुछ डिलीशियस मॉर्निंग में स्टार्ट करना चाहते हैं तो आप अपने ब्रेकफास्ट से पहले फर्स्ट थिंग इन द मॉर्निंग कीवी जूस ज़रूर ट्राई करें, बिकॉज कीवी जूस बहुत 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 ज़्यादा डिलीशियस, बहुत ज़्यादा टेस्टी बनती है और इसको कंज्यूम करना भी बहुत इजी होता है और बहुत 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 बेनिफिशियल होता है। कीवी जूस बनाने के लिए मैंने इसमें करीबन 1 ग्लास पानी ऐड किया है और 1 चम्मच शहद ऐड किया है इसके स्वीटनेस को थोड़ा बढ़ाने के लिए। अगर आपको इसका स्वीटनेस नहीं पसंद है तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं, और अगर आप इसका थोड़ा सा इसे टेस्टी बनाना चाहते हैं इस जूस को तो आप इसमें 1 चम्मच शहद ऐड कर सकते हैं, जो कि शहद भी बहुत ही अमेजिंग बेनिफिट्स देता है हमारे बॉडी को। तो आप ये जूस को प्रिपेयर करें फर्स्ट थिंग इन द मॉर्निंग और इसे डेली या फिर हफ्ते में 1 या 2 और कीवी जूस को जरूर ट्राई करें अपने डेली स्किन केयर रूटीन में, अपने डेली वेट लॉस जर्नी में। बहुत ही टेस्टी और बहुत ही यमी बनता है कीवी जूस, लेकिन कीवी जूस कीवी के स्लाइसेस को अगर आप अपने फेस पे मसाज करते हैं तो भी बहुत लाइटनिंग और ब्राइटनिंग इफेक्ट हमारे स्किन पे आता है। तो मैंने कीवी का 1 स्लाइस लिया और अपने पूरे फेस पे मसाज किया कीवी से और उसे करीब 1/2 आवर के लिए अपने फेस पे वैसे ही छोड़ दिया था और उसे फिर नॉर्मल पानी से वॉश किया। फिर आप देख सकते हैं कि कितना प्यारा सा ग्लो मेरे फेस पे आया है। तो ट्राई करें कि इंस्टेंट ग्लो अगर आपको अपने फेस पे चाहिए तो कीवी की 1 स्लाइस को ज़रूर अपने फेस पे इस तरीके से मसाज करके। तो आज है बारी बीट रूट की, यस, और ये एक ऐसा अमेजिंग वेजिटेबल है जिसका जूस बहुत ही अमेजिंग, बहुत ही बेनिफिशियल होता है हमारी बॉडी के लिए। इसमें प्रेजेंट विटामिन सी, इसमें प्रेजेंट आयरन, इसमें प्रेजेंट पोटेशियम, मैग्नीशियम एंड विटामिन B9 हमारी स्किन हेल्थ को तो इम्प्रूव करता ही करता है, साथ ही ये हमारी बॉडी में ब्लड फ्लो और इन्फ्लेमेशन को काफ़ी इम्प्रूव करता है, इन्फ्लेमेशन से बचाता है, हमारे बॉडी पे ब्लड फ्लो को एनहेंस करता है, हमारे ब्रेन फंक्शन को काफ़ी इम्प्रूव करता है और
बहुत ही अमेजिंगली हमारे स्किन पे पिंकिश ग्लो लाने का काम करता है। तो अगर आप मॉर्निंग में कोई भी जूस नहीं ले रहे हैं तो कम से कम इस विंटर सीजन डेली बीटरूट जूस, 1 ग्लास ऑफ बीटरूट जूस फर्स्ट थिंग इन द मॉर्निंग इन एन एम्प्टी स्टमक आप ज़रूर लें। और बीटरूट जूस बनाने के लिए मैंने यहाँ पे एक बीटरूट को छोटे छोटे स्लाइसेस में कट कर लिया है, पील ऑफ करके छोटे छोटे स्लाइसेस में कट कर लिया है और इसे मैं अपने इस छोटे से पोर्टेबल ब्लेंडर में ग्राइंड कर लूँगी और इसका एक थिक जूस प्रिपेयर किया है मैंने, जिसमें थोड़े थोड़े लम्ब्स हैं बीटरूट के, बट मैं इसे स्टेन नहीं करूँगी, इसे छन्नी से छान कर नहीं, इसे डायरेक्टली मैं इस जूस को कंज्यूम करूँगी, डायरेक्टली मैं इस जूस को पूरा पी जाऊंगी। और अब बारी आती है हम सब की स्पेशल, हम सब की फेवरेट फ्रूट, विंटर्स की फेवरेट फ्रूट, वो है आंवला। जी हाँ, आंवला बहुत बेनिफिशियल है। आंवला में प्रेजेंट फाइटोन्यूट्रिएंट्स, आंवला में प्रेजेंट विटामिन सी हमारे स्किन के हेल्थ को तो इम्प्रूव करने में हेल्प करता ही करता है, लेकिन अगर आपके बाल रोज़ाना बहुत तेज़ी से झड़ रहे हैं तो आपके बालों के झड़ने को भी बहुत ही तेज़ी से रिड्यूस करने वाला एक अकेला आंवला बहुत इफ़ेक्टिव होता है हमारे हेयर फॉल को कंट्रोल करने के लिए। अगर आप डेली सुबह आंवला जूस लेते हैं तो ये आपके बालों पे काफ़ी अच्छा एक इम्पैक्ट अपना देता है, बहुत तेज़ी से हेयर फॉल को रोकता है आंवला और हमारे बॉडी में डेली जो रिक्वायर्ड होता है विटामिन सी का उसे पूरा करता है आंवला। अगर आप कोई भी फ्रूट्स की जूसेस नहीं लेते हैं तो मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आप डेली मॉर्निंग, फर्स्ट थिंग इन द मॉर्निंग बिफोर ब्रेकफास्ट, खाली पेट आप डेली आंवला जूस ज़रूर पिएं। ये बहुत इफ़ेक्टिव है इवन हार्ट हेल्थ के लिए, डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए, और अगर आप वेट लॉस करना चाहते हैं तो उसके लिए भी बहुत बेनिफिशियल है, क्योंकि डेली हमें विटामिन सी की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है और आंवला में सबसे ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन विटामिन सी की है, तो आप इसे डेली मॉर्निंग में लें। सो वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करना, शेयर ज़रूर करना, सब्सक्राइब ज़रूर करना और ऐसे ही इन्फॉर्मेशन के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। बाय बाय, फिर नेक्स्ट वीडियो।